मरुधरा में सर्दी के सितम के बीच मारवाड़ की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इन दिनों मारवाड़ के दौरे पर है। इसी बीच सियासी हलकों में एक बार फिर चर्चाएं हैं कि मानवेंद्र सिंह की घर वापसी हो सकती है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए बाड़मेर से पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर जब सतीश पूनिया से सवाल किया गया, आप भी सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोगों का काम है सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। मठ मंदिरों की और सामाजिक वर्गों की राजनीति में अहमियत है कि हम जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। तो आस्था के जो केंद्र हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो संस्कार भी देते हैं, और इसलिए पार्टी का व्याप बढ़े, पार्टी में आने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है, और इसलिए अभी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो पार्टी में आना चाहेंगे उनका हम स्वागत करेंगे। देखिए, मैं संगठन का मुख्य कार्यकर्ता हूं, मेरा टाइटल बदला अध्यक्ष के नाते, लेकिन मेरा काम संगठन को नीचे तक दुरुस्त करना और ठीक से निरंतरता के साथ चलाना है, और इस लिहाज से संगठन के कामों की समीक्षा भी हम लोग करते ही हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि दोनों ही ज़िलों में इतने सुदूर एरिए में संगठन ने गतिविधियों को भी निरंतर रखा है। जैसा मुझे जानकारी मिली, जनाक्रोश रैली भी ठीक हुई, पार्टी की दूसरी गतिविधियां भी अच्छे तरीके से चलती हैं, लेकिन क्योंकि संगठन के कामों में कोई उसका विराम नहीं है, एंडलेस है, मुझे लगता है कि और भी निरंतरता की आवश्यकता है, जो हम लोगों ने आने वाले समय के लिए कुछ एक्शन प्लान के लिए छोड़ा है, और मैं दोबारा भी आऊँगा इसी काम के लिए, पार्टी के सक्षम लोगों को भी भेजूंगा, मोर्चों की गतिविधियां भी और मुखर हों उसकी भी कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं अध्यक्ष हूँ संगठन के नाते, तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से करूं। इस लिहाज से हम लोगों का काम है सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। मठ मंदिरों की और सामाजिक वर्गों की राजनीति में अहमियत है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। तो आस्था के जो केंद्र हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो संस्कार भी देते हैं, और इसलिए पार्टी का व्याप बढ़े। तीसरा, हम सनातनी लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, इसलिए जितने भी रूट में ऐसे धार्मिक स्थान आते हैं जिज्ञासा से भी और श्रद्धा से भी मैं वहां जाता हूं। तीसरा, आपने कहा तो पार्टी में आने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है, और इसलिए अभी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो पार्टी में आना चाहेंगे उनका हम स्वागत करेंगे। एक्शन प्लान का क्या मतलब है? जिला अध्यक्ष चेंज किया जा रहा है, आपने कहा कि भविष्य में एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा, मोर्चों को और ज़्यादा ग्रास रूट पर एक्टिवेट करेंगे, पार्टी की बूथ तक की इकाइयों को सक्रिय करेंगे, संगठन में जहाँ कहीं फेरबदल की, बदलाव की, जिस किसी भी किस्म की आवश्यकता लगेगी वो भी करेंगे, तो एक समग्रता लिए हुए, ताकि आने वाले समय में इस काम को हम लोग अप्रैल तक पूरा करेंगे। क्योंकि अगले साल जब हम मिलेंगे तो हम लोग लगभग इलेक्शन मोड पे होंगे, तो चुनाव से पहले संगठन दुरुस्त हो, ये कोशिश है। मुझे कार्यकर्ताओं ने भी और जनता के स्वयंसेवी संगठनों ने भी अलग अलग तरीके से बात कही है, और मैं इस बात को गंभीरता से सुना भी है, और मैं मेरी क्षमता में केंद्र को इन सभी बातों से अवगत भी कराऊँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ बातों का प्राथमिकता से समाधान हो। सर, वर्ष 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद एक बहुत बड़ा परंपरागत जो वोट बैंक था आपका, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं चुनाव की कारणों की वजह से अलग थलग पड़ा। आपके पुराने कार्यकर्ता जो है उनको पार्टी की अनुशासन कार्रवाई से भी उन पुराने लोगों को पार्टी से वापस जोड़ा जाएगा। देखिए, बीजेपी किसी समय कैडर की पार्टी थी, आज बीजेपी मासेज की पार्टी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग पार्टी के दूसरे विचारों से आए, दूसरे तबकों से आए, और हम लोग 3 से 303 तक पहुँचे, तो स्वाभाविक रूप से इस यात्रा में राजनीतिक रूप से भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े। कुछ कालखंड में कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, और राजनीति में स्वाभाविक ही है, लोग बागी चुनाव भी लड़ते हैं, पार्टी में अनुशासनहीनता भी होती है। मैं ये कहूँ कि 100% खरा है, 24 कैरेट है, तो ये दावा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पार्टी में अनुशासन भी बना रहे और पार्टी में आधार के लोग जुड़ें, और पार्टी का अपना कार्यकर्ता मान लीजिए किसी वजह से पार्टी से विमुख हो गया या पार्टी को कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन उसमें पार्टी बहुत रिजिड नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से
ऐसे कार्यकर्ता जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनको लगता है उनसे गलती हुई है, तो उनके बारे में पार्टी विचार करती है। और ऐसे कई जगह हम लोगों ने किया है। घनश्याम तिवाड़ी जी एक बड़ा उदाहरण, जिनको पार्टी ने इंडक्ट किया है। तो भविष्य में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके बारे में विचार किया जा सकता है।